तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज करूंगा कबूब का जो ट्राइपॉड है उसका पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू, और मतलब बताऊंगा आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा कबूब का ट्राइपॉड। ये अभी 2-3 घंटे पहले अमेजन से मतलब फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है अपने एड्रेस पे। तो आज हम इसको करेंगे पूरा अनबॉक्सिंग। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं रिव्यू बता दूंगा, फिर उसका स्पेसिफिकेशन सब बता दूंगा। चलिए पहले इसको हम कट कर लेते हैं। प्रोटेक्शन में आया है, अब ये पता नहीं क्यों डबल प्रोटेक्शन में आया है, मुझे तो पता नहीं चला। चलिए देखते हैं, इसको कर देते हैं साइड। यहाँ से निकल गया हमारा कबूब का ट्राइपॉड। चलिए साइड। ये है हमारा ट्राइपॉड। तो अब इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसे भी साइड कर लेते हैं। और ये रहा हमारा ट्राइपॉड, तो सभी एंगल से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल गया हमारा ये फोन कनेक्टर, जिसमें अपने फोन को कनेक्ट करते हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं साइड। फिर इसके अंदर ये है हमारा ट्राइपॉड, नई नई दुल्हन की तरह घूंघट में है। चलिए इसको घूंघट को हटाते हैं हम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ निकल गया ट्राइपॉड हमारा। तो भैया पहले देख सकते हैं आप, भाई साहब मतलब कि शिपिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कैसे भी भेज दो, ऐसा वाला मामला मुझे दिख रहा है अभी तक। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं, लगता है कि वापस करना पड़ेगा। ओ भाई इसका तो हालत बहुत कंडीशन खराब लग रहा है मुझे, वापस ही ना करना पड़ जाए। यहाँ से एक तो लगा, एक लग गया तो दूसरा भी लगेगा ही, दूसरा भी लग गया। मतलब कि पैकिंग ये सही से नहीं मिलती है हमें, इसके ये को फिर बाद में हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम इसको खोल के देख लेते हैं, ये भी उतना अच्छा नहीं है, देख सकते हैं आप। बहुत ही मतलब फोर्स लगा के अंदर करना पड़ रहा है। मतलब अगर अगर अच्छे वाले ट्राइपॉड लेते हैं तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरा निकाल के देखें जरा, देखिए तीनों एक साथ खोले फिर भी हमें इसमें भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। को भी चलिए खोल ही लेते हैं, अगर खोल रहे हैं तो इसमें भी वही मामला है थोड़ा। ये देखिए, तो चलिए ये तो थी हमारी इसकी बात। हम करते हैं इसकी बात में क्या है क्या नहीं है। तो ये जो हमारा रोटेटर होता है ये तो मतलब बढ़िया है, देखते हैं भी फोन हिलता है नहीं, फोन हिलता है फोन वोन डाल के देखते हैं इसमें। ये हो गया, इसे भी टाइट कर लो, देखते हैं फोन वोन डाल के इसमें। ये भी खोल के देख लें ये कैसा है, ये निकल तो नहीं जाता है वापस बाहर। नहीं, ये बढ़िया है। और इसके हम इसकी बात करें कि ये कैसा वर्क कर रहा है, तो वर्क के लिए तो मैं कहूँगा वर्क बढ़िया कर रहा है। बस
थोड़ा पैकेजिंग वगैरह में हो सकता है ये निकल गया होगा, लेकिन ये नहीं चाहिए था। मतलब कहते हैं ना, बाहर का दिखावा जितना अच्छा होगा लोग आपको उससे जज करते हैं, मतलब लोग दिखावे से ही जज करते हैं। लेकिन अब इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि फोन गिरता तो नहीं है, तो चलिए वही हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे पास आ गया मेरा फोन, तो उसको लगा के देखते हैं। यहाँ पे लग गया हमारा। ट्राइपॉड से चालू करके देखते हैं फोन को। हिलता तो नहीं है, देखते हैं। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है दोस्तों। ये तो बढ़िया मिल गया हमें कि ये हिलता नहीं है, ठीक है। मतलब फोन की बात करें तो आपका फोन को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और आपको साथ में यहाँ पे ये मिल जाता है इसे ऊपर नीचे करने को। ये नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा और हाथ में चोट भी लग सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप नए यूट्यूबर हो या फिर नए कुछ मतलब ट्राई कर रहे हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर आप प्रोफेशनल हो तो इसे मैं मना करूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी फ़ोन को नहीं ले पाएगा। मतलब हैवी फ़ोन तो ले लेगा, लेकिन आप जब जैसे कि जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं, वो जो फ़ोन से ना बना के कैमरे से बनाते हैं, तो ये कैमरे के लिए नहीं है। जैसे हमारे मतलब उसमें डाल देते हैं फ्लिपकार्ट के जो वो होता है फोटोज़ वगैरह में, कि इससे आप कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं ये वो, तो यहाँ पे ये सब का फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, छोटा वाला जो कैमरा होता है, रुकिए आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। आप देखते हैं कैमरा गिरता है कि नहीं गिरता है। बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया नहीं, बढ़िया है। तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बड़े कैमरे के लिए नहीं है दोस्तों। मैं फिर से कहूंगा, बड़े कैमरे के लिए नहीं है ये। ये छोटे कैमरे को भी एडजस्ट कर ले रहा है, फोन को भी एडजस्ट कर जाएगा, भारी से भारी फोन को, लेकिन कैमरे को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने ये फ्यूजी फिल्म का जो छोटा वाला कैमरा होता है, पॉकेट कैमरा, उसको मैंने लगा के यहाँ पे चेक करा है, वो वर्क कर रहा है अच्छे से। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा वर्क कर रहा है। लेकिन यही हम बात करें बड़े कैमरे की, जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है, वो मज़ा नहीं आएगा उससे। तो चलिए हम इसको करते हैं हम साइड। तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं, और कम इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है ये। 300 रुपये का मिल जाएगा आपको फ्लिपकार्ट पे ऑफर में, और कम में मिल जाएगा ये आपको। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सपोर्ट करना भूलिएगा।